मैं हूँ जका सिटर। आज मैं बनाने वाली हूँ वाइट चिकन करी। के लिए आपको लगेगा 1.5 किलो मुर्गी का गोश्त, उसके अंदर जाएगा दही, उसके अंदर जाएगा नमक, उसके अंदर डाल रही हूँ हरा मसाला जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच। अब मैं उसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ, 1 विसिल दूंगी। मसाला के लिए लगेंगे आपको ये गरम मसाला, मैंने थोड़ा सा लवंग ली हूँ और ये थोड़ा गरम मसाला ली हूँ। उसके लिए लगेंगे आपको हरा मसाला, हरी मिर्ची, ये है काजू, इतना ली मैंने काजू, और थोड़ा सा किशमिश ली हूँ मैंने, और मस्का ली हूँ 1 चम्मच, और एक कांदा ली हूँ, और कोथमीर, ये दूध ली हूँ 1 चम्मच, कॉर्नफ्लावर का जूस मैं पीस रही हूँ, ये काजू, अब मैंने काजू पीस ली हूँ, और वो कांदा जो रखा था मैंने चिकन के साथ में थोड़ा सा उबाल ली हूँ मैंने, अब मैं इसको पीस थोड़ा दूध डाल के पीसूँगी मैं पेस्ट करने का उसको। अब मैं 1 चम्मच तेल ली हूँ, उसके अंदर मैं ये गरम मसाला डाल रही हूँ, अब मैं ये हरी मिर्ची डाल रही हूँ, पिसा हुआ काजू डाल दिया। तो अब मैंने इसको 2 मिनट पका ली हूँ, काजू जो थे मैं उसमें ऐड करूँगी जो गला हुआ चिकन। अब मैं वो किशमिश जो रखा था वो ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा दूध ऐड करी जो बचा हुआ मैंने पीसने को लिया था, जो बचा हुआ दूध अभी ऐड कर रही हूँ। जो कॉर्नफ्लावर लिया था मैंने थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच लिया था, कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मैं 1 मिनट पका लूँगी। तो मैं जो पानी जो रखा था 1/2 कप वो पानी ऐड कर रही हूँ, भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा गाढ़ा, भी नहीं होना चाहिए पतला, चाहिए तो पानी मिला सकते हो और, लेकिन मैं इतना ही गाढ़ा रख रही हूँ। अब मैं इसको खोल रही हूँ, पक गया हमारा वाइट चिकन। अब इसमें मैं मिला रही हूँ मस्का, पक गया हमारा वाइट चिकन ग्रेवी, नाउ दिस इज रेडी टू सर्व। अरे 3-2-1 ये बन गया हमारा वाइट ग्रेवी चिकन। यू कैन ईट विथ राइस, चपाती, ब्रेड या तंदूरी रोटी। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।